आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हेयर केयर के ऊपर। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर की केयर कैसे कर सकते हो डेली बेसिस पे। जैसे कि आप अपने स्किन की केयर डेली रूटीन में करते होंगे, वैसे ही आपको अपने हेयर की भी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है डेली रूटीन में। तो आप अपनी हेयर ट्रीटमेंट करते होंगे या फिर कुछ हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते होंगे, और बहुत लोग बताते हैं कि मेरे हेयर बहुत फॉल होते हैं, हेयर फॉल बहुत होता है, मेरे हेयर ड्राई है। लेकिन आप ये जो सब प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स करते हो उसके भी रिजल्ट्स आपको तभी दिखेंगे जब आप अपने हेयर की डेली बेसिस पे केयर करोगे। तो ये टॉपिक का नाम सुन के बहुत लोगों को लग रहा होगा, अरे यार ये क्या बताना, ये तो सबको ही पता रहता है कि डेली बेसिस पे अपने हेयर की केयर कैसे करें। लेकिन इसमें भी छोटी छोटी ऐसी जो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको सुन के आपको उसका फ़ायदा बहुत ही होगा ऐसा लगता है मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आता है ऑयलिंग। आप मसाज, हेयर और मसाज के लिए कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो जो कि आपको सूटेबल हो। आप थोड़ा सा ऑयल लीजिए, उसको लुकेवार्म कीजिए एंड देन अपने फिंगर टिप से थोड़ा सा 5 मिनट तक आप ऑयल मसाज करते रहिए। देन ऑयल को अप्लाई करके 2 to 3 hours तक आप रखिए, या ओवरनाइट रखा तो भी अच्छा ही है। तो हफ्ते में 2 बार तो भी ऑयलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, उससे आपके हेयर को न्यूट्रिशंस मिलेंगे और हेयर आपके मॉइस्चराइज रहेंगे। और अगर 2 बार पॉसिबल नहीं है तो वीक में 1 बार तो भी आप ऑयल ज़रूर अप्लाई कीजिए। ऑयलिंग के बाद आता है शैम्पू। तो वॉशिंग, तो हेयर वॉशिंग के वक्त आप शैम्पूज़, माइल्ड यूज शैम्पूज़ प्रेफर कर सकते हो या फिर सर्फेक्ट फ्री शैम्पूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड शैम्पू करने के बाद आप हेयर वॉश लुकेवार्म वाटर के साथ यूज़ मतलब वॉश कीजिए। अगर आपको पॉसिबल हो, आप कंफर्टेबल हो, तो आप कोल्ड वाटर से वॉश करना बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें कोल्ड वाटर से वॉश करने से आपके क्यूटिकल जो है वो क्लोज रहेंगे एंड मॉइस्चर जो है हेयर्स में बना रहेगा, इससे आपके बाल हेयर ड्राई नहीं होंगे। अगर आपको पॉसिबल है तो मैं तो रिकमेंडेड करूँगी कि आप हेयर वॉश आप कोल्ड वाटर से ही कीजिए। देन आता है कंडीशनिंग। तो कंडीशनर में आप लाइट कंडीशनर्स यूज़ कर सकते हो। कंडीशनर यूज़ करते वक्त आप उसको रूट्स पे ना अप्लाई कीजिए, कंडीशनर्स को टिप्स में अप्लाई कीजिए एंड देन कोल्ड वाटर से वॉश कीजिए। यहाँ पे मैं रिकमेंडेड करूँगी कि आपको लुकेवार्म वाटर ना यूज़ करें, आप कोल्ड वाटर ही यूज़ करें कंडीशनर के बाद, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएगा। देन वॉशिंग के बाद आता है कोम्बिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को आदत रहती है अपने वेट बालों के ऊपर, गीले बालों के ऊपर कोम्ब करते रहते हैं, तो यह करना बहुत ही गलत है। आप वेट बालों पे कोम्बिंग ना करें एंड आप अपने हेयर्स को अच्छी तरह से ड्राई कीजिए, उसके बाद ही आप अपने बालों को कोम्बिंग कीजिए। एंड लास्ट में तो मैं हर वीडियो में वैसे बताती रहती हूँ कि हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन योर हेल्थ एंड टू मेंटेन योर स्किन हेल्दियर एंड हेयर ऑल्सो हेल्दी। सो आप अपने डाइट्स में ऐसे कुछ प्रोटीन न्यूट्रिशन डाइट यूज़ कीजिए जिसके आपको बालों के ऊपर अच्छा होगा। और जो ओरली इंटेक करते हैं मेडिसिन कुछ बालों के लिए या स्किन के लिए, तो वो ठीक है, लेकिन आप अगर अपने न्यूट्रिशंस को ही अच्छा करते होंगे या फिर अपने खाने में ही आप कुछ ऐसा इंक्लूड करते हैं जिससे विटामिन्स प्रोटीन्स ये सब मिलता है, उस टाइप के खाना अगर आप खाते होंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये हुआ आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। उसके बाद आता है ट्रिमिंग। तो हेयर को ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, उससे बाल आपके हेल्दियर दिखेंगे और हेल्दियर रहेंगे भी, स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आपको 2 to 3 months के बाद ट्रिमिंग, हेयर ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपके डेली रूटीन, आपके हेयर केयर के डेली रूटीन में ट्रिमिंग भी आप इंक्लूड करिए, इससे आपके बाल बहुत हेल्दियर दिखेंगे और स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे।
देन लास्ट आता है जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अपने डाइट में ऐसे कुछ है फूड या कुछ यूज़ किए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ कीजिए जिससे आपको न्यूट्रिशंस मिले, विटामिन्स मिले, प्रोटीन्स मिले जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है एंड आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो एंड ऐसे ही कुछ नए वीडियोस आते रहेंगे और उसके लिए आपको बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करना है नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।